देखिए बेटा, पावर कांस्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। और पावर जो इंस्टेंटेनियस होती है इस प्रॉब्लम में, वो इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी के बराबर होती है, आपको पता ही है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव से एडजस्ट हो जाएगा। मैं किसी इंस्टेंट पर मान लेता हूँ एफ इंटू वी है, ठीक है ना। पावर सप्लाइड इज कॉन्स्टेंट पावर है, तो एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, उसी फोर्स की डायरेक्शन में चलता जा रहा है, और पावर उसकी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, एफ इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। तो ये गलती मत करें आप इसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान ली गई, तो गलत हो जाए, ठीक है। आपको क्या लिखना है, फोर्स की जगह क्या लिख दो आप? फोर्स की जगह क्या लिख दोगे? एम डी वी बाई डी टी लिख दोगे क्या? फोर्स की जगह लिख दो एम डी वी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एफ इंटू वी। फोर्स की जगह लिख दिया एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी कर दिया, ठीक है। अब P कांस्टेंट है तो बहुत आसानी के साथ आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आ गया इसमें, इस तरह से लिख दोगे तो V इंटू डी वी इक्वल टू P बाई एम इंटू डी टी। बोलो, सब बच्चे कर देंगे कि एग्जाम में लग रहा है उनको ऐसा? तो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, टी टाइम पर, ये मान लो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला उसने, कोई इनिशियल वेलोसिटी दी होती तो वो रख देते हैं यहाँ पे, क्या भी करता हूँ। तो कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन टू पी एम बाई एम इंटू टी। तो वी कितना आ जाएगा, टू पी एम वन बाई टू और टी वन बाई टू, तो रूट टी का प्रोपोर्शनल आ गई है वेलोसिटी बेसिकली यहाँ पर। ये भी पूछता है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं पूछ के ये भी पूछा गया कई बार, वी इज प्रोपोर्शनल टू, तो रूट टी के प्रोपोर्शनल है। या ये भी पूछा गया पोजीशन प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, तो आप इसी को लिख दीजिए। अब वी आ गया तो कोई बात ही नहीं है कि आप पोजीशन ना निकाल पाए इसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आ जाएगा, टू पी एम वन बाई टू टी वन बाई टू। तो डी एक्स इक्वल टू टू पी वन बाई टू टी वन बाई टू इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो ओरिजिन भी अगर जीरो मान लेते हैं, चलो फाइंड आउट पोजीशन। अगर आपने स्टार्टिंग वेलोसिटी और स्टार्टिंग पर आपने एक्स इक्वल टू जीरो गिवेन होना चाहिए, तो लिख दीजिए आप अज्यूमिंग एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, अज्यूमिंग एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, टी टाइम पर मान लेते हैं एक्स है। तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको क्या देने वाला है, आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर इंटीग्रेशन सबको आता है इतना, एक्स रेस टू पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपके अंडर रूट एट पी अपॉन नाइन एम इंटू टी रेस टू पावर 3/2 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, अंडर रूट 8p अपॉन 9mt। तो m मास का पार्टिकल, पावर सप्लाइड p है, तो ये दो दी थे आपको बस, बाकी तो कुछ गिवन भी नहीं था। पार्टिकल ऑफ मास m, कांस्टेंट पावर p, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या बेटा इस तरह से लिखने में, तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बोलिए, सबको क्लियर है? इस तरह से पावर कांस्टेंट हो तो पोजीशन और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करेंगे?